एक घंटा पहले आपसे लगभग 9:30 के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि सिलेवा पंचायत या खड़ा के पास किसी आदमी को लोग मारपीट रहे हैं। तो थाना के साथ हम लोग गए तो देखे कुछ आदमी को मारपीट किया हुआ था और वो इंजर्ड हुआ था। अभी का जो प्रॉब्लम था उसको तुरंत हम लोग एक ऑटो से पिलग्रिम हॉस्पिटल भेजवाए और फिर और आगे पूछताछ किए तो पता चला कि कोई एक लड़की 3:30 बजे के लगभग वो गायब हो गई थी 1 बजे के आसपास और उसी का डेड बॉडी मिला हुआ है और लोगों को शक उसी व्यक्ति पर था जिसको उन्होंने मारपीट किया था। फिर उसके घर के पास हम लोग गए तो पड़ोसी का डेड बॉडी वहाँ घर के आगे रखा हुआ तो लोग जुटे हुए थे और फिर प्रथम दृष्टा जो हम लोग देख रहे थे इंजरी उसके बाहरी पार्ट गलों में दबाने का काला निशान था। फिर लोगों ने बताया कि इसका बॉडी हम लोग रेलवे लाइन के किनारे से उठा के लाए हैं। फिर वहाँ हम जाके घटनास्थल देखे गाड़ी में तो उसके बाद इसका हम लोग इंक्वेस्ट बनाए और इंक्वेस्ट बनाए गठन के लिए। प्रथम दृष्टिया क्या लगती है सर? जो लोग बता रहे हैं और जो लोग हम लोग जो देखे उसका जो इंजरी तो गला पर स्पष्ट वो दिख रहा है कि दबाने का निशान है वो काला धब्बा टाइप का पूरे गला में तो इस तरह से हत्या तो उसके गला दबाने से ही हुई है जो हम लोग को दिख रहा है। उसके आगे और क्या क्या उसके साथ घटना हुई है वो मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टर की जांच के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। और जिस तरह से इसके परिजन तैयार करेंगे और डॉक्टर का जो रिपोर्ट आएगा उस तरह से कार्रवाई उसमें करेंगे। एक घंटा पहले अब से लगभग 9:30 के आसपास हम लोगों को सूचना मिली कि सिलेवा पंचायत या खड़ा के पास